केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के ऊपर आधारित है, जो कि आर्टिकल 20 में ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो किसी ऑफेंस के कमिट करने के बाद बनाया जाता है वो रिट्रोस्पेक्टिवली ऑफेंस कमिट करने वाले पर अप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस में उस व्यक्ति ने 1947 में एक ऑफेंस कमिट किया और उसमें उसको फाइन और इम्प्रिजनमेंट, ये उसमें ऑप्शन थे, लेकिन 1949 में उसके पनिशमेंट में बदलाव करते हुए उसमें जो फाइन था उसमें इन्हेंसमेंट किया गया। और जब वो उस पर लगा केदारनाथ पे, तो कोर्ट में उसने चैलेंज किया। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये बाद में इसको बढ़ाया गया है इसलिए केदारनाथ पर ये अप्लीकेबल नहीं होगा, और केदारनाथ पर जो फाइन और इम्प्रिजनमेंट है जो पुराने समय में जब उसने ऑफेंस कमिट किया था उस समय जो प्रोविजन थे उस पर वही लगेंगे।